शुक्रवार को भपूत कस्बे में वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज को राजनीति में अपनी भागीदारी चाहिए। नगर में हुए वैश्य एकता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि वैश्य परिवार का एक पुत्र मनीष गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। इसको लेकर मनीष गुप्ता के हत्यारों को फांसी की सजा मिलना चाहिए। वैश्य समाज पैसा भी देता है और टैक्स भी, लेकिन उसे राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही। लेकिन 2022 के चुनावों में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल वैश्य समाज को लेकर गलतफहमी में ना रहे। इस भागीदारी के लिए वैश्य एकता परिषद ने विशाल वैश्य राजनीतिक अधिकार यात्रा निकालने का निर्णय लिया। ये यात्रा 5 दिसंबर 2021 को मैनपुरी से प्रारंभ होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष बृजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रमुख समाज जो भी राजनीतिक दल वैश्यों से अपने को दूर करेगा, उस दल को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आज ये हुए वैश्य एकता सम्मेलन में आपने क्या संदेश दिया? हम लोगों ने राजनीतिक दलों से मांग की है कि राजनीति में जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुपात से सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इस आधार पर 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य हैं, जहां वैश्य मतदाता 20,000 से लेकर 50,000 तक। उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर वैश्य बंधुओं को टिकट मिलने का काम होना चाहिए। टिकट मिलेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे पक्ष में विधान बनेगा, कानून बनेगा, उसी से उत्पीड़न, शोषण और आर्थिक दोहन बंद होगा। अभी सर्वे छापे जितनी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है वो ज़्यादातर वैश्य व्यापारी समाज के साथ ही होती है। इसलिए आज के सम्मेलन में हमने वैश्य समाज की एकजुटता पर अपील की और मांग की है प्रदेश सरकार से कि हमको भी राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए तथा सर्वे छापे जैसे उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बंद हो और मुकेश गुप्ता के हत्यारों को गिरफ्तार करके मनीष गुप्ता के हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल के सींचों में भेजा जाना चाहिए। इन पर रासुका लगनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आने वाले कल में पुलिस पर अंकुश लग सकेगा। और वास्तव में देखा जाए तो पुलिस इस समय निरंकुश है और अपनी मनमानी पर उतर आती है। उसकी मनमानी पर अंकुश लगाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मनीष के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर दंड दिलाने की स्पेशल कोर्ट बनाकर जिससे सजा लंबी, कार्रवाई लंबी न चले, जिससे सजा शीघ्र घोषित की जा सके। इस प्रकार का वातावरण अगर प्रदेश में बनेगा तो निश्चित रूप से समाज में एक संदेश जाएगा, भय का वातावरण जो व्याप्त है वो समाप्त होगा। वहीं हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मृतक के परिवार की आश्रिता को, विधवा पत्नी को ओएसडी बनाकर जो काम किया है वो निश्चित रूप से स्तुत्य है, बधाई के पात्र है। धन्यवाद।